अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया था, आज की वीडियो में मैं उसको आंसर करूँगा। अब्दुल्ला ने कमेंट किया था, जिनका अब्दुल्ला गेमर के नाम से चैनल है, तो वो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि पाकिस्तान में काफ़ी जो हैं सक्सेसफुल कंपनीज जैसे डू और पीक, फ्रीन्स, असल में कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स एक कंपनी है, वो डू बनाती है। इसी तरह इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स वो पीक फ्रीन बिस्किट्स वगैरह बनाते हैं, ये कंपनीज़ हैं, या और भी दो तीन कंपनीज़ ही हैं इस इंडस्ट्री में जो कि ये बिस्किट्स और चॉकलेट्स और कैंडीज़ वगैरह बनाती हैं। एक इसमें मिफ्ता इस्माइल की भी कंपनी है जो वो कोकोमो और मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाती हैं। तो ये दो तीन कंपनीज़ ही हैं इस पूरी इंडस्ट्री को उन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये वाली कंपनीज़ या फिर डॉलेंस, हायर और बाकी भी बड़ी बड़ी जो मशहूर कंपनीज़ हैं, वो क्यों अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवाते और इकोनॉमी में अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करते? तो इस क्वेश्चन को चार हिस्सों में मैं आंसर करूंगा, ताकि इस वीडियो से और लोग भी काफ़ी कुछ सीखें कि किस तरह कंपनीज जो है अपने आप को लिस्ट करती हैं, या उसका क्या फ़ायदा होता है और क्या उनको नुकसानात होते हैं। तो इस पूरे चीज़ से आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह स्टॉक एक्सचेंज और उस पर लिस्ट होने वाली कंपनीज़ जो हैं वो फंक्शन करती हैं। तो ओवरऑल आपको अपने आगे के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस में भी काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। सबसे पहले हम देखेंगे किस बेस पे कंपनीज जो हैं इस तरह के डिसीजंस करती हैं, अपने आप को लिस्ट करवाना ना करवाना या और भी काफ़ी किस्म के डिसीजंस। उसके बाद अगर कोई कंपनी लिस्ट करती है, ऑप्ट इन करती है लिस्ट करने के लिए, तो उसको क्या उसके नुकसान, जो कॉन्स होते हैं उसके क्या होते हैं, और कोई एक कंपनी अगर लिस्ट करती है तो उसके लिए फ़ायदे क्या हैं, और फिर सबसे आखिर में चौथी चीज़ हम ये देखेंगे कि अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट कर लेती है और डिसीजन कर लेती है लिस्ट करने की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी अपने कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसका उसके की कंट्री की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है या क्या फ़ायदे होते हैं इकोनॉमी को उसके। तो सबसे पहले कंपनीज़ इस तरह के डिसीजंस किस बेस पे लेती हैं? तो कोई भी कंपनी है, जिस तरह ये बिस्किट्स की कंपनीज़, कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स, या फिर ये इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स वगैरह, या फिर कोई ये जो हायर और मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी सक्सेसफुल कंपनीज हैं, चाहे पाकिस्तान की हो या बाहर की, तो वो कोई भी अपनी डिसीजन कर रहे होंगे तो वो अपने फ़ायदे या नुकसान को देख रहे होंगे। वो कभी भी उसको पीछे रख के कंट्री के फ़ायदे या किसी और के फ़ायदे नुकसानात या आप को नहीं देख रहे होंगे, और उनको ये चीज़ वो सबसे पहले देखेंगे कि ये स्पेसिफिक मूव करने के बाद उनका क्या फ़ायदा है इसमें, क्योंकि वो बिजनेसेस हैं, चैरिटीज़ नहीं हैं। उन्होंने जो भी अपना डिसीजन लेना है वो अपनी फ़ायदे और नुकसान की बेस पे लेना है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ हम सामने रख लेते हैं। कुछ बड़ी सक्सेसफुल कंपनीज़ क्यों नहीं जाना चाहेंगी स्टॉक एक्सचेंज पर? तो जब भी कोई कंपनी बड़ी रजिस्टर करती है तो सबसे पहले तो वो अपने एक उनका एस्टेब्लिश्ड एक तो लेवल होता है, उसके बाद ही वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो असल में वो कर क्या रहे होते हैं कि अपने शेयर्स को, मसलन उनकी कंपनी की वैल्यू 1 बिलियन रुपीज़ है, तो वो अपने कंपनी को 1 बिलियन शेयर्स में डिवाइड कर रहे हैं, और हर शेयर को मसलन 1 रुपी का हर शेयर वो मान लेते हैं उनका है, तो उसमें से एक ख़ास परसेंटेज, मसलन 250,000 शेयर्स जो हैं वो फ्री फ्लोट करने पड़ेंगे, उनको लोगों को ऑफ़र करने पड़ेंगे। अब वो 75% कंपनी के ओनर, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग ओनर्स हैं वही रहेंगे, चाहे वो कोई फैमिली है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हैं या कोई इंडिविजुअल है, तो वो रहेगा। और जो 25% ऑफ द कंपनी है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो गई है और मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीद लिया। अब इसमें जो कंपनी को बेनिफिट्स होते हैं इसके बाद, कोई भी प्रॉफिट वगैरह है, तो उसमें अब वो जो प्रीवियस ओनर थे वही नहीं उसके हकदार रह गए, जबकि वो सब कुछ उन लोगों को भी जाना है जो कि उसके नए ओनर्स हैं। तो एक तो ये चीज़ होती है कि आपकी जो कंपनी की ओनरशिप है वो कम हो गई है, और लोगों का भी पैसा उस कंपनी में आ गया। अच्छा, अब जब ये पैसा वगैरह आ चुका है मुख्तलिफ लोगों को और लोग भी आ गए हैं, अब जो भी स्पेंडिंग वगैरह है और कंट्रोल है कंपनी का, वो अब आपके पास नहीं रहा। अब पहले तो अगर कोई प्राइवेट ओनर्स हैं तो वो कहीं भी कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहेंगे या कुछ भी करके, या उसमें से अगर पैसा निकालना चाहते हैं या किसी और नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी डिसीजन करना चाहते हैं, तो उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इस केस में
उससे नहीं निकाल सकते, अगर निकालते हैं तो वो एज अ मसलन और उनको शेयर्स ऑफर करने पड़ेंगे, अपनी जो अपनी इक्विटी अपना अपनी ओनरशिप को कम करना पड़ेगा, तभी वो उस स्पेसिफिक कंपनी या फैक्ट्री के फ्रेमवर्क से बाहर पैसे निकाल सकते हैं, तो ये चीज़। दूसरा वो जितने भी डिसीजंस करेंगे उसमें उनको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कंपनी का फ़ायदा है और क्या फ़ायदा है, तब भी वो, क्योंकि वो अब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो कि पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू उस पर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, उनको अब वो जवाब दें, तो वो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। बाकी भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं, मसलन अगर आपकी कंपनी जैसे सुजुकी मोटर कंपनी है, ये जब बंद रहते थे कोविड के दिनों में या इवन बाद में जब इनके इनकी सीकेडी किट्स वगैरह नहीं आ रही थी, तो इनको कंपनी को बंद करना पड़ता था काफ़ी टाइम के लिए, मसलन एक हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्ते के लिए, क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल की कमी थी जिसकी बेस पे कार्स बन रही हैं जो सीकेडी किट्स वगैरह होती हैं। जब उनको कंपनी को बंद करना पड़ता था अपनी किसी भी फैक्ट्री को, तो वो उनको बताना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज पे, एडवांस पे नोटिस देना पड़ता था। स्टॉक एक्सचेंज के लॉज में है कि कोई भी मसलन कोई फैक्ट्री बंद रहती है कुछ भी होता है तो वो उन्होंने इन्फॉर्म करना है। अच्छा, इसके अलावा कहीं भी अगर पैसा स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कुछ भी, हर चीज़ को एक तो जस्टिफाई करना है, दूसरा ट्रांसपेरेंसी भी रखनी है, उनको हर चीज़ में इन्फॉर्म रखना है अपने शेयर होल्डर्स को। कुछ कंपनीज तो शायद इस वजह से भी इधर ना जाए कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मसलन अगर आप एक कंपनी है उसके शेयर्स को बिलियंस ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर उसको एक प्रॉपर तरीके के थ्रू जो है वो अपनी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है उसके उसके लिए तैयार होना चाहते हैं, उसके लीगल एस्पेक्ट्स देखना चाहते हैं, सारे अकाउंटिंग वगैरह सारा कुछ मैनेज करना चाहते हैं, फिर उसके बाद में भी आपको रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा चाहिए, और इसके अलावा भी एक्सपेंसेस होंगे आपके, टैक्सेस शायद एक्स्ट्रा हो जाएं, मोस्टली जो सैलरीज वगैरह और ये वो, तो फीसेज वगैरह हो सकती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए, तो एक एक्सपेंसेस वाली चीज़ जो है उसको भी देखते हुए कंपनीज नहीं जाएंगी। अगर तो कोई कंपनी ऐसी है जिसके पास कैश फ्लो की कमी है और वो अपना थोड़ा सा इक्विटी बेच के अपना मतलब शेयर्स दे के पैसे और ज़्यादा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो तो चले जाएंगे, इन सारे एक्सपेंसेस को भी शुरू के बेर कर लेंगे, लेकिन एक कंपनी जो कि बहुत अच्छी इस्टेब्लिश जा रही है उसको कैश फ्लो का भी मसला नहीं है, तो वो शायद ना जाए। अच्छा, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज होती है ना, वो मसलन उनको एक अपनी शॉर्ट टर्म में भी कंपनी को बहुत ही बेहतर हालत में रखना पड़ता है, क्योंकि हर वक्त उनकी स्क्रूटनी हो रही होती है, मुख्तलिफ़ किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ उनको देख रही होती हैं, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी नज़र होती है उन पर, तो एक कंपनी मसलन जो कि प्राइवेटली ओन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसे जो है वो लगा सकते हैं, और अगर उससे कोई आउटकम टाइम पे नहीं आ रहा तब भी वो उस फंडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, और उनको कोई कहने वाला नहीं है कि तुम इस चीज़ पे रिसर्च पे बहुत ज़्यादा अमाउंट्स कर रहे हो और इसकी शॉर्ट टर्म में क्या फ़ायदा हुआ है तुम्हें या कुछ, क्योंकि जो ओनर है या जो भी विजनरी उसको देख के कोई भी एग्जेक्टिव हो सकता है उस तरफ पैसे लगा रहा है और उसको पता है कि 2-3 साल बाद इसका ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है बगैर कोई चीज़ सोचे, लेकिन यही अगर कोई पब्लिक कंपनी करती है तो उसने आंसरेबल भी होना है, और क्या पता कोई उठ के उसको बाद में कहीं किसी कोर्ट ऑफ लॉ में सू भी कर दे कि इस तरफ से इतना फ़ायदा नहीं हो रहा था फिर भी तुमने जो है इतनी स्पेंडिंग की, तो इस तरह के प्रेशर्स भी होते हैं। जैसा मैंने कहा था कि मुख्तलिफ कंपनीज इसलिए भी अपने आप को लिस्ट करवाती हैं क्योंकि उनके पास कैश फ्लो की कमी होती है, लेकिन कोई कंपनी इस ऑप्शन को ऑप्ट इन करने से पहले कहीं और भी जा सकती है, मसलन किसी बैंक के पास चले गए, क्राउड फंडिंग किसी से ले ली, किसी और इन्वेस्टर से बात कर ली, तो और भी ऑप्शंस होते हैं, इस वजह से कंपनीज फिर इतनी लंबे एक्सपेंसेस के बजाय वो चीज़ें भी कंसिडर कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड है वो अपनी किसी भी साइड पे कोई पेमेंट वगैरह या कुछ भी करती है जो एक्सपेंसेस ज़्यादा जो बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो उनको साथ साथ अपडेट भी रखना पड़ता है अपने शेयर होल्डर्स को, फिर कुछ रिपोर्ट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा करवानी पड़ती हैं या किसी भी अपने स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में,
तो वो किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट या किसी नई चीज़ को टेस्ट का आउट कर रहे हैं, तो उनको वो प्लान भी बताना पड़ेगा, अपने प्लान्स वगैरह शेयर करने पड़ेंगे, जिससे कंपेटिटर्स जो है ना, जो कि लिस्टेड नहीं है, उसको भी फ़ायदा हो सकता है, या इवन लिस्टेड भी है तो वो ये देख सकता है, अच्छा ये कंपनी आजकल इस चीज़ पे ज़्यादा स्पेंडिंग कर रही है, इस चीज़ का फ्यूचर हो सकता है, तो हमें भी उस साइड पे ध्यान देना चाहिए। तो वो एक कंपेटिटिव एज और चीज़ें जब हिडन हो, तो जो एक फ़ायदा होता है वो भी उनका, फिर वो भी लूज़ कर देते हैं वो। ये कुछ इस तरह के कॉन्स थे जो कि कंपनी जब लिस्टेड होती हैं तो उनके लिए होते हैं, और इसके काफ़ी प्रोज भी हैं और उन पे बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने का ये है कि आपके पास कैश फ्लो की कमी कभी भी नहीं होती। मसलन एक कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी भी चल रही है, और उसके 3-4 फैक्ट्रीज चल रही हैं, अब वो चाहते हैं कि एक नई फैक्ट्री फलां जगह पे हम लोग बना लें, क्योंकि हमारा चीज़ें काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं सेल हो रही हैं और हम एक्सपेंशन से फ़ायदा होगा। लेकिन अगर उनके पास एक्सपेंशन के लिए जो है वो इतनी अमाउंट नहीं भी है, तो वो अपनी और ज़्यादा इक्विटी ऑफर करके तो और ज़्यादा पैसा वो जमा कर सकते हैं। अगर पहले से लिस्टेड हैं तो राइट शेयर्स वगैरह का मेकनिज़म यूज़ करके वो मसलन 25% उनके फ्लोटिंग शेयर्स हैं, तो वो 10% शेयर्स को और फ्लोट कर सकते हैं, जिसकी बेस पे वो कैश फ्लो और ज़्यादा लेके आ सकते हैं, और वो फिर उस कैश फ्लो के थ्रू वो अपनी नई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, नई लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वगैरह बना सकते हैं, और भी जो भी उनके रनिंग एक्सपेंसेस हैं, कहीं पे वो इतना स्टेबल नहीं है तो वो कर सकते हैं। तो ये इनकम को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि किसी भी वक्त वो अपने कैश फ्लो को इन्हांस कर सकते हैं, और बाद में अगर उनको उससे काफ़ी फ़ायदा भी हो गया और उनके पास कैश पड़ा है, तो वो बाय बैक करके अपने शेयर्स, तो वो अपनी जो फ्लोटिंग शेयर्स हैं उनको कम करने की पॉसिबिलिटी भी उनके पास होगी। इसी तरह से जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उनके प्रोसेसेस वगैरह काफ़ी रेगुलेटेड होते हैं, तो हर चीज़ एक तरीके से हो रही होती है, तो वो एक तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी आगे पीछे और डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनमें बहुत अच्छी होती है। मसलन वो बैंक से डील करना चाहें तो उनको लोन वगैरह बड़ी आसानी से मिल जाएगा, या और भी किसी पार्टनरशिप वगैरह के लिए बैंक के पास जाते हैं या किसी और कंपनी के पास जाते हैं, तो वो उनको इतनी वो वाली हर्डल्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी जो है उसको फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उनको लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं होता उनके शेयर होल्डर्स को, यानी कि एक अगर प्राइवेट कंपनी है और उसके 10 शेयर होल्डर्स हैं, और एक शेयर होल्डर चाहता है अचानक किसी टाइम पे कि मैं अपना जो इसमें इक्विटी या इतना अपना जो जो भी मेरा मेरे शेयर्स हैं इसमें से कुछ बेच दूँ, या इसमें अपना शेयर कम कर लूँ, मसलन 20% से 10% पे आना चाहता है या इवन 0 पे आना चाहता है, तो उसको शायद उस वक्त अचानक से कोई ना मिले जो उसके वो उन शेयर्स को ख़रीद ले और उसकी कम हो जाए उस स्पेसिफिक कंपनी में उसकी जो होल्डिंग है। लेकिन ऐसा ही अगर कोई चाहे बड़ा शेयर होल्डर भी है एक लिस्टेड कंपनी का, तो वो अगर ये करना चाहेगा तो उसको तो मिनटों में और ज़्यादा इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो जो कि उन शेयर्स को परचेज कर लेंगे। लोगों को पता है ये लिस्टेड कंपनी है, तो वो अचानक से कोई उसके पूरे के पूरे शेयर्स भी ले लेगा, या वो उसको पब्लिकली जो है वो ऑफ़र कर सकता है। तो इस तरह की लिक्विडिटी की, यानी कि उसको एकदम से कैश को में कन्वर्ट करने का कोई मसला नहीं होता किसी शेयर होल्डर को, अगर आपकी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो। अच्छा, अगर आपकी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड होती है तो उसकी वैल्यूएशन भी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी से ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि भाई इस कंपनी की फलां जो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं उसमें अगर कोई कैश फ्लो का मसला आएगा तो इन्होंने एकदम अपने शेयर होल्डर्स के पास चला जाना है, और वो कभी भी उसकी वजह से उसकी उनकी प्रोडक्शन नहीं रुकेगी या कोई इस तरह कैश फ्लो का मसला हो नहीं सकता इनको, तो लोगों का ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो वो अगर उसको किसी हायर वैल्यूएशन पे अपने कोई भी शेयर होल्डर या इवन सारे शेयर होल्डर्स उसको कंपनी को किसी और को बेचना चाहते हैं, तो वो उनको ज़्यादा उसकी जो है वो बेनिफिट मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कोई प्राइवेट कंपनी है तो। अच्छा, इसी तरह से जो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उनको एक और बेनिफिट ये होता है कि वो क्योंकि उसमें हर चीज़ तरीके से हो रही होती है, वो इवन डाउन टू वन शेयर उन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको अर्निंग पर शेयर ईपीएस
और बाकी स्टैट्स वगैरह वो रेगुलरली रिपोर्ट करने होते हैं, तो वो सब कुछ जो उनकी कैलकुलेशंस और बोर्ड मीटिंग्स और वो सब कुछ एक तरीके से चल रहा होता है और सब कुछ कैलकुलेटेड उनके पास पड़ा होता है। इसी तरह से बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डिसीजंस वगैरह सारे ऑप्टिमाइज तरीके से लिए जा रहे होते हैं, ताकि वो हर वक्त कंपनी जो है वो एक बेनिफिट में रहे। उनको सबसे ज़्यादा अपनी रेपुटेशन का डर होता है कि कोई एक गलत डिसीजन हो गया तो कहीं हमारे शेयर की वैल्यू नीचे ना चला चली जाए, हमारे इन्वेस्टर कहीं हम पे ट्रस्ट करना ना छोड़ दें, क्योंकि उसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी वैल्यूएशन पे, ओवरऑल जो वैल्यूएशन है उसकी, उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो गवर्नेंस है, ओवरऑल चीज़ें सारे तरीके से हो रही होती है और हर चीज़ मैनेज्ड होती है कि अगर कोई एक लिस्टेड कंपनी है उसके लिए। तो ये कुछ इस तरह के बेनिफिट्स थे जो कि लिस्टेड कंपनीज़ को होते हैं। अब एंड में हम देख लेते हैं कि कोई भी एक लिस्टेड कंपनी है वो अब कंट्री की इकोनॉमी में किस तरह कंट्रीब्यूट करती है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो है और सबसे बड़ी चीज़ वो ये है कि कोई भी एक कंपनी अपने आप को लिस्ट करवाती है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में मुल्क की मदद कर सकती है। यानी कि पाकिस्तान की कोई इस तरह की कंपनी है, मतलब फार्मा की कोई कंपनी है जो कि बहुत अच्छी जा रही है, तो कोई फॉरेन इन्वेस्टर दुबई में बैठा हुआ है या इवन किसी और शहर मुल्क में बैठ के वो देख रहा है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को, और वो देख रहा है कि ये जो कंपनी है ये बड़ी आजकल उसमें जा रही है, फ़ायदे में जा रही है, और इसका जो है वो शेयर ऊपर से ऊपर जाए जा रहा है। तो वो वहाँ से बैठ के भी फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन बैंक्स वगैरह इन्वेस्ट करते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में। तो इसमें पाकिस्तान के लिए या किसी भी मुल्क के लिए जिसकी वो कंपनी है, ये फ़ायदा है कि उसमें फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, और उस बंदे का ये फ़ायदा हो सकता है कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड्स वगैरह मिल सकते हैं, या बाद में वो जब एक ग्रोथ के बाद जो है वो अपने पैसे वापस मंगवा सकता है, या इस तरह की चीज़ें। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट को मुल्क के अंदर लाने के लिए जितनी भी ज़्यादा कंपनीज़ इन्वेस्टेड होंगी, और उसमें से ज़ाहिर है फिर ज़्यादा लिस्टेड होंगी तो कुछ इस तरह की होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, और उसकी बेस पे जो है बाहर से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इवन इसी चीज़ का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जो आपके अपने मुल्क की पॉपुलेशन है वो बैठ के उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके, और उसका जो प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, जिस तरह ये एग्रो फर्टिलाइज़र के शेयर्स हैं, एग्रो पॉलीमर के शेयर्स हैं, और मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनकी जो डिविडेंड देने वाली कंपनीज़ हैं, अब उसका फ़ायदा ना सिर्फ उनको जो बड़े बड़े ग्रुप्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो, जबकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उन छोटे इन्वेस्टर्स को भी वो फ़ायदा हो रहा है, और एक वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो ओवरऑल जब वेल्थ आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओवरऑल इकोनॉमी में फिर दोबारा से वो जो है मुख्तलिफ बिजनेसेस में जाएगी, लोग स्पेंडिंग करेंगे, तो वो एक ओवरऑल इकोनॉमी में फ़ायदा होता है उस चीज़ का। इसके अलावा जब ये जितने भी उनके शेयर्स हैं वो जो रोज़ाना की बेस पे मुख्तलिफ लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, उसको एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद उस पर किसी का लॉस होता है और किसी का गेन होता है। लॉस वाले ने तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना होता, लेकिन जिसका गेन होता है वो फिर 10% अपने गेन पे गवर्नमेंट को भी टैक्सेस देता है। तो इस तरह अगर किसी कंपनी के बिलियन शेयर्स में से 250 मिलियन शेयर्स अगर हुए में फ्री फ्लोट, तो उसको रोज़ाना की बेस पे हज़ारों लोग खरीदें बेचेंगे भी, और फिर जिसको प्रॉफिट होगा वो रोज़ाना की बेस पे गवर्नमेंट को एक तो ट्रेड्स पे टैक्स देगा, फिर प्रॉफिट्स पे टैक्स देगा, कैपिटल गेन टैक्स जो होता है, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इवन वो भी जब वो ओवर द ईयर वो गेन उनका ज़्यादा होगा वो तो फिर वो उस पर ज़्यादा टैक्सेस होंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट को भी इस तरह टैक्सेस जो है वो जमा करने में आसानी होती है, फिर वही चीज़ के वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन नीचे तक जाती है। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि ना सिर्फ वो उस एक क्वेश्चन का आंसर करूँ, बल्कि ओवरऑल जिस किस तरह से फंक्शन ये लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज़ वगैरह फंक्शन कर रही होती हैं, और उसका इकोनॉमी में क्या फ़ायदा हो नुकसान हो रहा होता है। इकोनॉमी को तो डेफिनेटली फ़ायदा ही होता है ज़्यादा कंपनीज़ की लिस्ट होने से। ओवरऑल अब्दुल्ला का पॉइंट भी ठीक था कि ज़्यादा कंपनीज़ को जो है वो लिस्टेड होना चाहिए, लेकिन फिर ये अपनी कन्वीनियंस और अपनी प्रेफरेंसेस और अपने फ़ायदे नुकसान की बात है कंपनीज़ के। अगली दफ़ा भी इसी तरह का कोई टॉपिक लेके आएंगे जिसका सबको फ़ायदा हो। तो अनटिल देन, अल्लाह हाफिज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।